छात्र संगठन अध्यक्ष विष्णु पांडे पर आज सुबह 9:30 बजे कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये वारदात तब हुई जब वह सुबह अपने घर से काम के लिए निकले थे। रास्ते में नरसिंह दलाल, रामू गुज्जर व उनके कुछ साथियों ने विष्णु पर हमला कर उसे घायल कर दिया और उसे सोने की चेन व 10,000 रुपये छीन लिए और धमकी भी दी कि अगर तुमने नर्सिंग के दलालों का फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के विरुद्ध कार्रवाई कराना बंद नहीं किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इस घटना में विष्णु पांडे के सर में काफी चोटें आई हैं जिसमें खून भी निकला है। हादसे का मुख्य कारण रात 11 बजे JH अस्पताल में JNM नर्सिंग वालों का प्रैक्टिकल रहा जिसमें छात्र छात्राओं से 3,000 रुपये की अवैध वसूली की जा रही थी, जिसका पता नर्सिंग छात्र संगठन के पदाधिकारियों को जैसे ही लगा टीम ने रात 11 बजे ADM साहब के साथ जाकर छापा मारा जिसमें नियमों के विरुद्ध अनुचित समय पर किसी भी सरकारी संस्था में 5:30 बजे के बाद कोई परीक्षा व प्रैक्टिकल नहीं लिया जा सकता। आज क्या घटना घटी? आज घटना करीब 10:30 बजे जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी जॉब के लिए SMS हॉस्पिटल में जॉब करते हैं वहाँ पे जा रहे थे तो बीच में करीब 10-20 लोगों ने वहाँ पे बीच में रोक के और लाठी डंडे और सरिया से मतलब उनकी पिटाई की गई है। और ये जो लोग हैं उनमें से सिर्फ जो प्रदेश हमारे विष्णु पांडे जी उन्होंने बताया कि उसमें रामू गुर्जर जो मैन था उनके साथ के करीब 20 लड़के थे जिन्होंने उन पर हाथापाई की है। किस कारण से? ये लोग वही लोग हैं जो लोग नर्सिंग में मतलब एडमिशन वगैरह की दलाली करते हैं तो इन लोगों ने कल जो हमारे जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने रात के 11 बजे JH के कैंपस में एक मतलब एक फर्जीवाड़ा हो रहा था, बच्चों से रुपए लिए जा रहे थे रात के 11 बजे। आप सोच सकते हो कि कौन सा प्रैक्टिकल होता है, तो उसका उन्होंने खुलासा किया था कल, और कल नाइट की बात है और आज सुबह उन नर्सिंग दलालों ने इस तरह से परिणाम कर उन पर हाथापाई की उनके साथ। ये रुपए कौन ले रहा था ऐसा तो जानकारी है आपको? ये कई कॉलेज थे जिनके नाम तो हमें क्लियर पता नहीं है, उन कॉलेज वालों के जो दलाल लोग थे उनने बच्चों से ज़्यादा फीस ली और जो एग्जाम कंट्रोल थी उनने भी साथ में फीस कितनी थी? फीस करीब 2 पर स्टूडेंट से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा। फीस कितनी है वैसे? फीस मात्र 50 रुपये लगते हैं, 50 रुपये 3,500। हाँ, जो 3,500 वसूल की गए प्रैक्टिकल के नाम, उसी बात का खुलासा, वो भी रात के 11 बजे। आप सोच सकते हैं कौन सा प्रैक्टिकल हो रहा होगा। अब आपकी क्या मांग? हमारी मांग यही है कि जिन लोगों ने ऐसे इस तरह का कृत्य किया है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे ग्वालियर नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सभी जितने भी नर्स उसमें काम करते हैं वो हड़ताल करेंगे। क्या हादसा हुआ? प्रशासन से आपने कंप्लेंट कराई है? आपने प्रशासन से तुमने क्या कहा? उन्होंने कहा सख्त कार्रवाई करने के लिए, फिलहाल मुझे अभी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने पा रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट सही तरह से मिल पा रहा है? सही तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, बाकी उसने मुझे जान से लाने की धमकी दी है तो मैं एक जनता को रिक्वेस्ट किए कि कुछ पुलिस प्रोटेक्शन दिया है। अम्बेडकर नगर जिला जेल में कश्मीर से आए 30 कैदियों को शिफ्ट किया गया। कश्मीर से आए 30 कैदियों को भारी सुरक्षा के बीच दर्जन भर से लंबे काफिले में CRPF के सशस्त्र जवानों सहित 4 कैदी वाहनों में लाया गया। शिफ्ट किए गए कश्मीरी कैदियों के कारण जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।